वेलकम स्टूडेंट, जामनीकांत बीएड कॉलेज की क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज हम क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं मेथड के विषय में। हम किसी भी विषय को जब पढ़ाते हैं तो उसके लिए विभिन्न पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी ज्ञान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है हम शिक्षण के विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से उसे रोचक ढंग से जो है बच्चों को पढ़ाते हैं और सिखाते हैं, ताकि वो अच्छे से उसको सरल भाषा में और सरल तरीके से जो है सीख सके। तो उसके लिए जो है हम लोग विभिन्न पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपका मेथड और सोर्स जो है वो हमारे पाठ्यक्रम को जो है वो अच्छी तरह से ज्ञान प्रदान करने में बहुत ही सहायक होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मेथड होता है, जो पद्धतियाँ होती हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है शिक्षण के लिए। तो इसमें कई प्रकार के मेथड आते हैं, जैसे लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन कम नरेशन मेथड हो गया, सोर्स मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। तो इन सब तरह के मेथड से के माध्यम से जो है हम विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु को जो है बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं आज की क्लास में हम लोग कि स्टोरी टेलिंग मेथड का जो है वो कौन क्या गुण होते हैं और क्या अवगुण होते हैं। आपके बीएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहला मेथड है, मेथड और सोर्स आपको पढ़ना है। तो उसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ मेथड के बारे में, यानी पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कौन सा मेथड यूज़ करके हम किस सब्जेक्ट को बड़ी आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। इसमें सबसे पहला आपका आता है आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस स्टोरी टेलिंग मेथड। यह क्या है? यह पद्धति जो है ये मौखिक पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है। यानी इसके माध्यम से जो है हम जो कहानी कहते हैं उसको हम बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी यह कहानी कहने तथा उसके ढंग को, कहानी कहने के ढंग को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक होता है। आइए जानते हैं कि इसका गुण क्या है। सबसे पहले इसके गुण पे आते हैं, मेरिट डिमेरिट पे आते हैं कि इसमें क्या गुण है जिससे को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। यह क्या है कि छोटे बच्चे के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। छोटे बच्चे चूंकि कहानी के माध्यम से किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से समझ जाते हैं, तो ये जो टेक्निक है, ये जो पद्धति है, ये छोटे बच्चों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक तथ्यों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। हम किसी भी ऐतिहासिक बातों को, ऐतिहासिक विषय वस्तु को अगर हम रखते हैं तो उसको अगर हम कहानी के माध्यम से रखते हैं तो काफ़ी रोचक लगता है सुनने में भी और समझने में भी बड़ी आसानी होती है। बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बालकों में नैतिक विकास में कहानी का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम नैतिक मूल्य की बात करते हैं, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, खासकर सोशल साइंस जब हम पढ़ाते हैं, तो इस विषय पे हम लोग अवश्य चर्चा करते हैं कि बच्चों में नैतिक मूल्य की वृद्धि करना या विकास करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम कहानी सुनाते हैं, जैसे पुराने समय के जो हम साधु संतों की अगर कोई उपदेश बताते हैं या फिर कोई कथा बताते हैं, जैसे नचिकेता की कहानी ले लीजिए अगर हम बताते हैं, तो हम बच्चों को ये गुण डाल सकते हैं कि किस प्रकार आज्ञाकारी होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बालकों में कल्पना शक्ति के विकास में सहायक। जब हम बीती हुई घटनाओं को कहानी के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं किसी भी विषय को, तो वो क्या करते हैं, वो कल्पना करते हैं, क्योंकि साक्ष्य जो होता है एट प्रेजेंट उनके सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो वो कल्पना करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो कहने का मतलब उनकी कल्पना शक्ति जो होती है उसकी लेवल में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है आपके छात्रों की जिज्ञासा को शांत करना संभव है। अगर किसी भी चीज़ को लेकर के छात्र में जिज्ञासा है कि ये कैसे हुआ होगा, तो उसको जो है हम कहानी के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करके और सुना करके उनकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सृजनात्मकता प्रवृत्ति का विकास। पहले मैंने चर्चा किया कि इनमें क्या होता है, कल्पना शक्ति विकसित होती, तो कल्पना शक्ति जैसे विकसित होती है तो वो क्या करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, यानी उस चीज़ के आधार पर उस क्रिया को वो संपूर्ण करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, उनमें क्रियात्मकता की वृद्धि होती है, साथ ही साथ नई सोच, नई चीज़ों को जो है वो बनाने में सक्षम हो पाते हैं। कहने का मतलब कि वो सृजनात्मक प्रवृत्ति के होने लगते हैं। अब हम आते हैं, ये तो हमारा था गुण। इन गुणों के आधार पे जो है इस टेक्निक को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शिक्षण प्रणाली में। हम जब क्लास में क्लास टीचिंग करते हैं तो इन सारी चीज़ों को जो है विशेष तौर पर इतिहास शिक्षण में ये काफ़ी उपयोगी साबित होता है। नेक्स्ट हम आते हैं इसका डिमेरिट क्या है, अवगुण क्या है। हर एक विषय का दो पहलू होता है, एक मेरिट एक डिमेरिट। तो अभी मैंने आप लोगों से चर्चा किया मेरिट के बारे में, अब हम डिमेरिट बताएंगे कि इसका क्या है। यह व्यवहारिक ज्ञान नहीं दे पाता है। व्यवहारिक ज्ञान यह सिर्फ कथात्मक है,
जो कि कथा के माध्यम से ही हम सुनाते हैं और उसी को समझाने का प्रयास करते हैं। अगर मैं व्यवहारिक बात करूँ तो उस चीज़ को हम व्यवहार में नहीं कर सकते, यह विषय के सभी पक्षों को प्रस्तुत नहीं कर पाता। जब हम कहानी सुनाते हैं तो किसी एक पक्ष को लेकर के ही वो आगे जाता है, यानी कहने का मतलब किसी विषय के सभी पक्षों को अगर हम पकड़ना चाहें तो इस टेक्निक के माध्यम से नहीं पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, कहानीकार के व्यक्तिगत धारणाएं इस पर प्रभाव डालता है। कहानीकार की व्यक्तिगत धारणाएं, यानी जैसे मान लीजिए कि एक ही विषय को अगर हम कह रहे हैं तो हम अपनी इच्छा अनुसार अपनी बातों की रोचकता से उसे प्रस्तुत करेंगे, उसमें हमारा अपनी धारणाएं होगी, और उसी चीज़ को अगर दूसरा व्यक्ति कहता है तो उसकी धारणाएं उसकी कहानी में दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपकी, बड़ी कक्षाओं के लिए सही नहीं है। सिंपल सा है, पहले ही मैंने कहा कि ये छोटे बच्चों के लिए है। अगर बड़े बच्चों को हम कहानी सुनाने बैठाएंगे तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। उनको अगर हम लेक्चर मेथड के माध्यम से पढ़ाएं, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाएं, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के विषय को समझते हैं। नेक्स्ट है, यह काल ज्ञान का सही ज्ञान नहीं कराती। हम कोई प्रूफ नहीं दे सकते हैं कि ये इसी समय हुआ होगा। हम उसको कहानी सुनाते हैं, कब हुआ होगा नहीं पता, लेकिन कहानी के माध्यम से हम उसको ज्ञान देते हैं बच्चों को। नेक्स्ट, इसमें अभ्यास एवं स्वाध्याय के अवसर नहीं देता। अभ्यास और स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी और आपका प्रैक्टिस, ये दोनों जो है ये स्टोरी टेलिंग मेथड में कहीं भी आपका नहीं आता है। तो ये विशेष तौर पे हम देखते हैं कि हिस्ट्री टीचिंग के लिए ये काफ़ी उपयोगी है और विशेष तौर पे छोटे बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो हम उसी तरह से उस पद्धति को उस जगह में, यानी सही जगह में जहाँ पर इसका उपयोग सही तरह से हो सके, उस पद्धति को हम उसी जगह उसी लेवल में उसी स्टैंडर्ड में बच्चों को सिखाते हैं और समझाते हैं। तो ये विशेष तौर पे छोटे बच्चों के लिए वो काफ़ी उपयोगी है, खासकर हिस्ट्री टीचिंग अगर हम कर रहे हैं तो हिस्ट्री टीचिंग में जो है हम स्टोरी के माध्यम से छोटे बड़े सबों को बता सकते हैं। तो आज के क्लास में जो है स्टोरी टेलिंग मेथड का मैंने गुण और अवगुण आप लोगों के बीच में साझा किया है। नेक्स्ट क्लास में और आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।